10 नंबर राबड़ी आवास के बाहर है, 24 घंटे में सरकार गिर जाएगी, कौन बनेगा बिहार का नया मुख्यमंत्री, ये सारा खबर आप लोग देख लिए हैं। लाल बादशाह जी से जानिए कि आने वाले समय में क्या होने वाला है, कौन बनेगा जी, जीतन राम मांझी कि तेजस्वी यादव कि नीतीश कुमार, कौन बिहार का नया मुख्यमंत्री? अब जब भी बनेंगे तो बिहार के लिए तेजस्वी यादव ही बनेंगे, लाल बादशाह का जवान है। लाल बादशाह का जवान झूठा हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? आगे आगे देखिए क्या क्या होने वाला है, क्या होने वाला है बताइए ना। तो दीदी बस क्या क्या रहे हैं, गार्जियन से लेकर करके माननीय तेजस्वी यादव, हाँ। सभी लोग अपना मंथन कर रहे हैं, आप जो विधि विधान है तौर तरीका, हाँ। तौर तरीका के बाद माने पेश होगा, आगे की प्रक्रिया होगी, आज कल पूरा आईना नजर आ जाएगा पूरे बिहार माननीय बीजेपी को, वह पुगेगा तब ना पूरा विधायक कहाँ है आप उसके के लिए परेशान क्या है, हाँ। अपना अपना सब काम कर रहा है, लोग कला परेशान है, 120 को पुग रहा है मांझी जी को बुलाने के बाद, तब माइक लेकर भगवाते नहीं, हाँ। जो सब जान जाएगा तब तो खेले खत्म हो जाएगा, कुछ राज की बात राज में रखा जाता है। तो राज का बात क्या है बताइए ना, हम कैसे बता दू, अंदर में लोग है बातचीत कर रहे हैं, सब खेला करेंगे नीतीश कुमार, जो खेला हो बे, लेकिन तेजस्वी यादव के ही खेला हो बे ना हो बे, समन में बिहार के जान बा, युवा के प्राण बा, शक्ति बा, और हमरा हमर लाल बादशाह के छोट भाई बा, तो लाल बादशाह के छोट भाई रह जाएंगे फिर उप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार के भाई बा, हमरे भाई नहीं के, सबके भाई बा, और आगे आगे देखिए विधि विधान के बाद कि क्या क्या होने वाला है, नीतीश चाचा क्या कर रहा है और उनका प्रस्ताव क्या कर रहा है, तमाम सैतल बात है, थोड़ा सा धैर्य रखिए आप लोग, सब नजर आ जाएगा आप लोग। आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार इस बार फिर मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं? नो नेवर, अभी जो खेल हुआ है, हाँ। इसमें सीधा क्या खेल हुआ है बताइए ना, क्या खेल हुआ है आगे देखिए ना, मेन पॉइंट में ना बता रहे हैं आप, जब सब बता देंगे तो आपका ला है, सब बताइए देंगे तो मीडिया बता रहा है कि नीतीश कुमार बनने वाले हैं, रोटी बनेगा तब ना रोटी खाएगा, आटा सनाने दीजिए ना। चलिए तो इधर आ जाइए बुजुर्ग चाचा, कहाँ से हैं जी भैया, आप कहाँ से हैं, कहाँ से हैं? हम तो पुनाई चक से हैं। पुनाई चक से किसका सरकार बनेगा दोस्त? तेजस्वी यादव का सरकार बनेगा। कैसे बनेगा सरकार तेजस्वी यादव का बताइएगा ना, कुछ पॉइंट बनेगा उम्मीद है, पूरा उम्मीद है, होगा ना पॉइंट कि कैसे बन रहा है, नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हम बना रहे हैं, नीतीश कुमार अब सीधे फेंकाने वाले हैं, फेंका जाएंगे, कौन फेंकेगा, फेंका जाएंगे ना, लालू जी बाहर है इसीलिए आपको लग रहा है कि सरकार आपका बन जाएगा, बन जाएगा, बनेगा, बनेगा, तेजस्वी यादव का ही सरकार बनेगा। आपका तो उम्र ना हुआ वोट देने का, 21 साल के हो गए हैं, कैसे कह रहे हैं, 18 साल में ही वोट दिए थे, नहीं वोट नहीं दिए थे, लेकिन इस बार देंगे, अब देना है, इस बार देंगे, तेजस्वी यादव को देंगे, तेजस्वी यादव को देंगे, हर हाल में देंगे तेजस्वी यादव, चाहे कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए। आप बताइए जी क्या नाम है, कहाँ से? मेरा नाम अनीश कुमार हुआ। अनीश कुमार, किसका सरकार बनेगा? तेजस्वी यादव। अच्छा, काहे ऐसा लग रहा है कि आपको तेजस्वी का बनेगा, जिसका मन भक्त है आप उसी का सरकार बनवाइएगा? भक्त की बात नहीं, अभी गमछा खोल देंगे ये हटा देंगे तो क्या, इस भक्त है, भक्त नहीं, दिल से बात बोल रहे हैं, दिल से है जी, तेजस्वी के समर्थक जी। जीतन राम मांझी को कह रहे लोग मुख्यमंत्री बनेंगे, जीतन राम मांझी, अब जिसका जो ये लोग निर्णय लेंगे वही बनेगा। हम अच्छा, जीतन राम मांझी को अगर मुख्यमंत्री बना देती है राष्ट्रीय जनता दल तो आपको कोई दिक्कत नहीं है? हमको क्या दिक्कत रहे, कोई दिक्कत ना। चलिए तो ये देख लीजिए 10 नंबर राबड़ी आवास के बाहर है लो, और यहाँ पे जो भी समर्थक है सभी कोई पहुँचे हैं, हर जगह पर मीटिंग हो रहा है, विधायक दल का मीटिंग हो रहा है, तेजस्वी यादव के आवास में जितने भी राष्ट्रीय जनता दल के कद्दावर नेता है, चाहे वो अब्दुल बारी सिद्दीकी हो, चाहे कोई भी नेता की बात कर लीजिए, सारे विधायक पहुंचे हैं, राष्ट्रीय जनता दल के कोटे से जितने भी मंत्री हैं सभी मंत्री को वहां पे बुलाया गया है। अब आगे क्या होता है, क्या निर्णय होता है, कह रहा है लोग कि बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं और जनता दल यूनाइटेड के विधायक भी फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। कारण यह है कि जनता दल यूनाइटेड के विधायक नहीं चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में गठबंधन हो जाए, और भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी नहीं चाहते हैं कि जनता दल यूनाइटेड के साथ में गठबंधन हो जाए। 14 विधायक ऐसे हैं जो जनता दल यूनाइटेड के हैं, नीतीश कुमार के पार्टी के, वो लोग फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। अब देखना है कि आने वाले समय में क्या कुछ होता है, क्या बदलाव होता है, बिहार का नया मुख्यमंत्री कौन बनेगा, ये सवाल अभी भी संशय बना हुआ है। सुनने में आ रहा है कि तेजस्वी यादव कुछ देरों के बाद में राजभवन मार्च करने वाले हैं और उसके बाद में जा करके कहेंगे कि अब हम नया अपना सरकार पेश करेंगे। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।